हे गाइस, हाय, वेलकम टू माय चैनल नेचुरल ब्यूटी ऑन ड्यूटी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3D फ्लावर ब्रेडेड बर्न हेयर स्टाइल बनाना बताऊंगी। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हेयर को डिटेंगल करते हुए साइड पार्टिंग करनी है, देन फ्रंट में ईयर तक पार्टीशन करते हुए हेयर को सिलेक्ट करना है और क्लिचर से सिक्योर करना है ताकि बर्न बनाते टाइम ये हमें इरिटेट ना करे। अगेन हमें कॉम करते हुए हाई बन बनाना है। पोनी टेल बनाने के बाद हेयर को 3 इक्वल सेक्शन में डिवाइड करना है। 3D ब्रेड बनाने के लिए नॉर्मल से स्ट्रैंड ब्रेड में सिर्फ एक चेंज करना है। अब हमारी जो राइट स्ट्रैंड है उसमें होल करते हुए मिडिल स्ट्रैंड को बीच में निकालना है। हमारी राइट स्ट्रैंड है, अब वो मिडिल स्ट्रैंड बन गई है। इसके बाद लेफ्ट स्ट्रैंड में होल करते हुए मिडिल स्ट्रैंड को बीच में से निकालना है। गाइस, अगर आपको रेगुलर 3 स्ट्रैंड बनानी आती है सो आप इस ब्रेड को ईजिली बना पाओगे। रेगुलर ब्रेड में हम स्ट्रैंड को मिडिल स्ट्रैंड से क्रॉस करते हैं एंड इस ब्रेड में लेफ्ट एंड राइट स्ट्रैंड में होल करते हुए मिडिल स्ट्रैंड को बीच में से निकालना है। जिन गर्ल्स के हेयर की लेंथ मीडियम टू लॉन्ग है सो बस इस हेयर स्टाइल को ट्राई कर सकती हैं। अब आपको स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को करते जाना है। ब्रेड बनाने के बाद इसे इलास्टिक रबर से सिक्योर करना है। 3D ब्रेड बनने के बाद इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से है, वीडियो में आप देख सकते हैं। अब इसे नीचे से ऊपर की ओर लाइट हैंड से पुल आउट करना है। इसके बाद बन का शेप देते हुए इसे बॉबी पिन से सिक्योर करना है। गाइस, ये 3D ब्रेड है एंड इसमें चारों तरफ चोटी बनी हुई है, इसलिए अपने आप ही फ्लावर का शेप आ जाएगा। आप इस हेयर स्टाइल को और भी ब्यूटीफुल बनाने के लिए हेयर एक्सेसरीज को लगा सकते हैं। अब फ्रंट से क्लचर को निकालना है। इसके बाद छोटा सा सेक्शन लेते हुए उसे ट्विस्ट करना है और उसमें स्टेप बाय स्टेप हेयर का स्मॉल सेक्शन ऐड करते जाना है एंड ट्विस्ट करना है। वीडियो में आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ, सेम इसी तरह आपको भी करना है। गाइस, अगर आप इस हेयर स्टाइल को रिक्रिएट करते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम में पिक शेयर करिए एंड टैग करिए। मेरी यूज़र ID मैंने स्क्रीन में मेंशन की है एंड अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी कर लीजिए। ट्विस्ट करने के बाद इसे लाइट हैंड से फ्रंट में स्ट्रेच करना है।
बन के अराउंड रैप करना है। अब फ्रंट में हमने जो हेयर निकाले थे इसे फिंगर की हेल्प से ट्विस्ट कर लूँगी ताकि कर्ली जैसा लुक आए। एंड हमारे जो वेवी हेयर हैं इसे मैं पिनअप कर लूँगी। अब बन को पकड़ते हुए हेयर को स्ट्रेच करना है ताकि पुफ जैसा लुक आए। दिस इज़ माई फाइनल लुक। आई होप आपको मेरा वीडियो एंड मेरी हेयर स्टाइल अच्छी लगी हो। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली।